सो इट इज 20 दिसंबर 2019, टाइम हो चुका है 10:25 पे। देख लेते हैं निफ्टी का दिन। निफ्टी पे जाने से पहले ऑब्वियसली काफ़ी सारे मैसेजेस मिले मुझे कि क्या हो गया सर, आपका 4-5 दिन से वीडियो ही नहीं आ रहा है, लास्ट फ्राइडे को आपका वीडियो आया था, आज फ्राइडे है, इतने दिन से वीडियो कहाँ है। तो ऑब्वियसली सर, अगर आप ध्यान देंगे कि लास्ट फ्राइडे का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था, लास्ट में अनाउंसमेंट था क्लियरली कि मैं मंडे एंड ट्यूजडे को 1-to-1 सेशन है, तो इसलिए मैं अपना LCA सेशन वेनसडे एंड थर्सडे को लेने वाला हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है आज के दिन के लिए मैंने बोली हुई थी फ्राइडे के दिन पे, और आज भी वीडियो बन रही है। सो देख लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी देखिए स्ट्रेट अवे यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही वन साइडेड मूव होने के बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर अगेन ट्राई हुआ टॉप बनने के लिए, बट यहाँ से रिजेक्शन आ गया, फिर रिट्रेसमेंट अगेन यहाँ पर ट्राई हुआ अपसाइड जाने के लिए, देखिए यहाँ पर आपको ब्रेकआउट जैसे दिखेगा, बट यहाँ पर अगेन रिजेक्शन आ गया एंड वहाँ से फॉल स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द फॉल, ये रिट्रेसमेंट एंड फॉल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के टॉस के ऊपर। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी ओपन कर देते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सिंपल यहीं ओपन हुआ, वन साइडेड मूव रिट्रेसमेंट, फिर अपसाइड मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फाइनली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्राई हुआ रिजेक्शन, यहाँ पर ट्राई हुआ ब्रेकआउट के बाद फिर रिजेक्शन, एंड यहाँ से हम कंटिन्यूस फॉल देख रहे हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कहीं ना कहीं टॉप बनने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, अगर इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ लाइफ में हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करते हो इसको याद रखना, जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी टॉप बनाता है तब बहुत ही सिचुएशन हमारी वेयर्ड बनती है, और आपको पता ना चले इस लॉजिक की वजह से आपको रिटेल लोगों को पता नहीं चले और ऊपर के लेवल पे फंस जाए, तो वो लॉजिक के कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बड़े ट्रेडर्स, और टॉप और बॉटम हमेशा पेनफुल होता है। अब एग्जाम्पल तरफ से हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर बॉटम बना, ठीक है, इस दिन पे ये बॉटम आउट हुआ और वहाँ से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया। ऑल दो यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ गई है, आपकी टैक्स की न्यूज़ आ गई थी, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया है, और यहाँ पर देखिए अगेन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर टॉप बन रहा था, ये टॉप बनने के टाइम पे देखिए कैंडल कैसे बनी हुई है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली। यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया होगा, उसी दिन काफ़ी लोगों ने लॉस किया होगा, उस दिन के बाद शॉर्ट करना 1-2 दिन 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया होगा, फिर जैसे उन्होंने देखा मार्केट नीचे गिरते हुए फिर मार्केट ने उसको ऊपर खींच लिया और फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। तो कभी भी हम टॉप इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि बॉटम और टॉप बहुत ही वेयर्ड वे में बनता है। अब जैसे हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बॉटम बना, लास्ट बॉटम देखिए यहाँ पर थिक रेड कैंडल है, यहाँ पर किसी को पता नहीं चले कि ये बॉटम बन रहा है और वहीं से मार्केट ने यहाँ से टर्न अराउंड किया हुआ यहाँ से। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब भी मार्केट टॉप या बॉटम बनाता है तो वो पेनफुल होता है, रिटेल ट्रेडर्स को वो समझ में ना है, ये ही उनका प्लान होता है। तो आज का हमारा प्लान कैसे रहेगा, हम बैंक निफ्टी के ऊपर काम करने वाले हैं, एंड एक और चीज़ बैंक निफ्टी के ऊपर हम काम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और ट्राई करेंगे, जनरली मैं 60 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, बट आज के दिन पे अगर ये फॉल वगैरह अच्छा आता है या अपसाइड मोमेंटम जो सडन सरप्राइज मोमेंटम आ सकता है आज के दिन पे, तो मैं क्वांटिटी आज का प्लान कर रहा हूँ 100 कंपेरेटिवली 60। क्यों प्लान कर रहा हूँ 100 इतने रिस्की जोन पे भी, क्योंकि मेरे पास थर्सडे फ्राइडे ये मैंने 3-4 दिन जो मैंने ठीक से ट्रेड नहीं किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन के कारण मेरा ठीक से ट्रेड नहीं हुआ, तो मेरे पास रूम है अभी रिस्क उठाने का, 4 दिन का मेरे पास रूम है। तो उस हिसाब से आज मैं 60 क्वांटिटी के बदले 100 क्वांटिटी के ऊपर ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मैं कुछ ट्रेड सेटअप वगैरह कुछ लेता हूँ, कुछ ट्रेड वगैरह ले रहा हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करता हूँ। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून। सो इट इज एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्वांटिटी 80 कर देते हैं, स्टॉप लॉस 20 कर देते हैं, 26। चलिए 80 क्वांटिटी कर देते हैं, हमने कर दिया है यहाँ पर शॉर्ट स्टॉप लॉस। सबसे पहले सेटअप क्या है, सेटअप सिंपल है, देखिए एंट्री अपनी 27.17 पे हुई है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये ऊपर से क्लियर रिजेक्शंस आ रहे हैं, ओके, ये रिजेक्शन हो गया, ये रिजेक्शन हो गया, ये रिजेक्शन हो गया, ऑलराइट,
रिजेक्शंस की वजह से क्लियरली बैंक निफ्टी फॉल करने की कोशिश कर रहा है, और प्लस हम इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो देखिए ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट, अब ये चौथी बार यहाँ पर ट्राई करेगा नीचे आने के लिए, दैट मीन्स यहाँ से फॉल मोस्ट प्रोबेबली बहुत लाइक ईजी हो जाएगा फॉल यहाँ से अगर होता है तो. सो हमारी एंट्री हुई है 27 के आसपास, सो वॉट वी विल डू एक शॉर्ट पोजिशन अगर हम 27 के आसपास लगाते हैं यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस हम रफली दे देंगे ये लेवल का ऑलमोस्ट, ये लेवल का ठीक रहेगा, एंड उसके अगेंस्ट में टारगेट हम दे देंगे ये लेवल का विच विल बी 1:1, अभी एक एक 1.32, लाइक 1 रुपये के अगेंस्ट में हमको 1.32 रुपया मिलेगा अगर हम ये ट्रेड सेटअप से चलते हैं. तो हम टारगेट अपना लगा देंगे रफली इसका जो बॉटम है विच इज़ 288 का, तो यहाँ कर देते हैं अपना जो टारगेट रहेगा 288, जो रफली यहाँ पर 252 बोल रहा है हमको, इसको मॉडिफाई कर देते हैं 32,288 कर देते हैं इस पे, ये मॉडिफाई कर लिया हमने, 288 प्रॉपर रहेगा राइट, इसके बॉटम पे बराबर 288 प्रॉपर है, ये हमने लगा दिया. और सेकंड यहाँ पर है 20-20 क्वांटिटी करके ट्रिगर हुआ है 288, ये मॉडिफाई कर दिया हमने. और नेक्स्ट होगा अपना दिस वन 288, ये कर दिया. करंटली अराउंड 900 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, 27 के आसपास अपना यहाँ पर शॉर्ट हुआ है और 288 का अपना टारगेट है. और स्टॉप लॉस जैसे हमने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, स्टॉप लॉस अपना होगा ये रेंज पे विच विल बी 355, तो यहाँ पर अपना जो रैंडम लगा हुआ है स्टॉप लॉस 387 उसमें मॉडिफाई कर देंगे, 355 कर देते हैं, 355 ये मॉडिफाई कर दिया हमने, ये मॉडिफाई कर दिया हमने 355, और इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं हम, मॉडिफाई 355 सेट है अपना. 1.32 का अपना यहाँ पर अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करता है ये पॉइंट को तो हम लोग और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे और नीचे की तरफ ट्राई करेंगे कैरी करने के लिए. सो करंटली 609 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर, स्टे ट्यून, जैसे ही मोमेंटम करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ. सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने डाउन साइड मोमेंटम कर दिया है, 297-300 के आसपास आ चुका है, अपना टारगेट है 288 का ये लेवल का, इसने अभी करंटली लो लगाया था 296 का, तो ये अराउंड एक बार फिर से ये लेवल पे आया है, ऑलमोस्ट 288 का अपना टारगेट है, 294-295, मोस्ट प्रोबेबली इजी टू टारगेट हो जाएगा अपना. ब्रदर्स, बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है, करंटली 45 के आसपास चल रहा है, इसने पहले हाई लगाया हुआ है रफली अराउंड 49 का, अपना स्टॉप लॉस ये लेवल का 55 का अभी भी इंटैक्ट है, लेट्स सी लेट्स वॉच. करंटली 1200 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस चल रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि चलो ये जो स्ट्रेच आया हुआ है उसी का ही फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाए, एल्स अगर ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो ऊपर का इजी लेवल लेके जाएगा वो, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ नहीं यहाँ पड़े होंगे सबके ऊपर. तो यहाँ पर ही जो मोमेंटम आया वो थोड़ा सा एज है लाइक बायर्स के लिए, रेस्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि एक बार एम पैटर्न बना के नीचे फॉल आ सकता है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद कुछ खास पावर दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पर. सो करंटली अराउंड 700 के आसपास लॉस चल रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है मोमेंटम करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, टिल दैट टाइम स्टे ट्यून. सो ट्रेडर्स, फाइनली बैंक निफ्टी में नीचे साइड मोमेंटम आ चुकी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस अपना 355 का स्टिल इंटैक्ट है, यहाँ पर ये लेवल का अपना स्टॉप लॉस था, यहाँ पर ट्राई हुआ अपसाइड जाने के लिए, यहाँ पर ट्राई हुआ अपसाइड जाने के लिए, फाइनली यहाँ पर फॉल आया हुआ है. अब लग रहा है कि ये लेवल को एक बार देखिए, यहाँ टेस्ट हो गया, यहाँ टेस्ट हो गया, ये थर्ड टाइम यहाँ पर वॉल्यूम भी है, तो रिट्रेस करने के बाद अपना ये इजीली टारगेट दे सकता है. सो करंटली अपना 800 के आसपास यहाँ पर अपना प्रॉफिट चल रहा है, सो स्टे ट्यून, जैसे मोमेंटम करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, टारगेट है अपना 288 का दिस लेवल.
सो ट्रेडर्स फाइनली बैंक निफ्टी में एज एक्सपेक्टेड फॉल आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब अपना टाइम आ चुका है स्टॉप लॉस, ओके ये ट्रिगर हो चुका है। जैसे ही हमने प्लान किया स्टॉप लॉस को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पर अपना बुक हो चुका है 3129। देखिए स्टार्टिंग में जैसे अपना प्लान था कि हम ट्राई करेंगे कि आज थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा लेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोशिश करेंगे, और आपने देखा मैंने 80 क्वांटिटी भी लिया हुआ था, बट जैसे मार्केट बदला मैंने भी अपनी साइकोलॉजी को चेंज किया। क्या चेंज किया मैंने, देखिए अगर आपने जनरली सोचा लाइक अगर बड़ा रिस्क लेते हैं उसके अगेंस्ट में बड़ा प्रॉफिट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बार आपको मार्केट को पहले समझना होता है कि मार्केट क्या कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन के ऊपर, देखिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊंगा, देखिए जैसे ये फॉल हो रहा है अपसाइड, जैसे हम लोग की बात कर रहे थे ये फॉल होने के बाद रिट्रेस करेगा, देखिए बड़ी कैंडल बनी, ओके बड़ा फॉल आया, उसके बाद बड़े फॉल के बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होना चाहिए और नीचे आना चाहिए, बट ऐसे मार्केट में नहीं हुआ। मार्केट ने एक और हाई लगाया फ्रेश, इसके ऑलमोस्ट हाई पे आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉल आना इसने स्टार्ट किया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसलिए छोटी क्वांटिटी लाइक छोटा स्टॉप लॉस इसलिए रखा कंपेरेटिवली यहाँ पर ये लेवल पे, और क्वांटिटी 80। मैंने एक्चुअली 100 ट्राई किया हुआ था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने 100 ट्राई किया पहले, बट यहाँ पर आपको मैसेज भी दिख रहा है इनसफिशिएंट फंड। मेरे यहाँ पर फंड्स थोड़े कम पड़े हुए थे, ओके फंड्स मेरा कल ही सेटलमेंट हुआ 49K मेरे इसमें आया हुआ था ऑलमोस्ट, तो मेरे बैंक की लिमिट है 49K, मैं वन शॉट में पे कर सकता हूँ लाइक ट्रांसफर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ थ्रू नेट बैंकिंग, तो इसलिए IOB बैंक है मेरा, तो ये इशूज़ होते ही हैं अगर गवर्नमेंटल बैंक है आपके पास, तो इसलिए मैंने ट्रांसफर किया, तो मेरे पास 100 क्वांटिटी का मेरे पास नहीं था यहाँ पर, ओके अब उसके अगेंस्ट में 100 क्वांटिटी तो मेरे पास वो रीजन की वजह से नहीं हो पाया, प्लस मैंने रिस्क भी कुछ एक्सट्रीम नहीं लिया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लेवल पर अगर मैं करता तो ऑलमोस्ट और 15-16 पॉइंट्स मेरा लॉस और बढ़ जाता, डेट मीन्स अराउंड 1000 रुपीज़ का और रिस्क हो जाता, 3000 का ऑलरेडी था और 4500 के आसपास हो जाता। तो ये चीज़ का मुझे समझाने का मतलब ये है इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो आप प्लान कर रहे हो मॉर्निंग में आपको बाय या सेल या बड़ी क्वांटिटी में करना है छोटी क्वांटिटी में करना है, तो उसी पे आपको कंटिन्यूएशन रखना है। एक बार आपका प्लान बना, आपने ट्राई किया पुट अप करने के लिए, बट मार्केट ने कुछ रिस्पॉन्ड में आपको और कुछ बोलने की कोशिश की है, तो उसके अगेंस्ट में आपको भी चेंज होना पड़ेगा। यहां पर स्टॉप लॉस था मेरा क्लियर, मैं एक बार फिर एंट्री बता देता हूं, देखिए ये रेजिस्टेंस ये लेवल मेरा शॉर्ट हुआ है, स्टॉप लॉस मैंने यहां के बदले यहां रखा हुआ था, दिस वॉज माई स्टॉप लॉस विच वॉज 355। देखिए एक बार ट्राई हुआ फेल हो गया, एक बार यहाँ पर ट्राई हुआ ऑलमोस्ट 349.85 का हाई लगाया और फेल हो गया, एंड यहाँ से बैक टू बैक फॉल, दिस वॉज माई टारगेट जो यहाँ पर आपके सामने अभी अचीव हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।